सोनीपत में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लाटों की रजिस्ट्री वितरित की। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिला सोनीपत के 1794, करनाल के 108, रोहतक के 766 तथा पानीपत के 22 लाभार्थियों को प्लॉटों की रजिस्ट्री का लाभ दिया। कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत व सहकारिता राज्य मंत्री महिपाल डांडा भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। चलिए सुनाते हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने क्या कुछ कहा। अगर हम 1-1 लाख रुपया खटाखट खाते में देंगे, ये इस प्रकार की बातें इन्होंने की है, परंतु आज लोग देख रहे हैं कि भाई ये कहां से देंगे, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अरे अगर आप लोगों ने गरीब के जीवन के अंदर परिवर्तन लाना था, जब आपने ये प्लॉट दिए थे तभी उनके हाथ के अंदर वो रजिस्ट्री कब्जे की कागज उसके हाथ के अंदर दे देने चाहिए थे, परंतु वो तो मनसा नहीं थी, वो मनसा नहीं थी। मनसा तो ये थी कि सजा बाग दिखाना है और सजा बाग दिखा करके वोट लेना है, ये सोच उनकी थी। परंतु हमने आकर के उस समस्या को समझा, क्योंकि हमारे पास भी आते थे। पीछे विधानसभा का 70 हुआ, उस 70 के अंदर स्पेशल मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बजट पास किया गया। और आज मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इसका निर्णय किया है। मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि हमने विधानसभा के अंदर भी ये बजट पास किया है कि 7,755 लोगों को तो हम आज कब्जा दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं। अगर कुछ ऐसे लोग भी बचे हैं जहां पर जमीन नहीं है, हमने ये निर्णय किया है कि उन सब के खाते के अंदर भी 100 गज का प्लॉट लेने के लिए 1-1 लाख रुपया डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी।